प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण में लगातार छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदेश में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और गुटखा और पान मसाले की बिक्री से रोक हटा दी गई है, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इनका सेवन प्रतिबंधित रखा गया है। तो वहीं चाय, जूस की छोटी दुकानों से भी प्रतिबंध हटा दिया गया। राज्य सरकार की इस छूट के बाद हालांकि लोगों को राहत भी मिली है। जयपुर शहर में आज पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की अधिकांश दुकानें मंगलवार होने के चलते नहीं खुल सकी। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने छूट के बाद बाजार का जायजा लिया। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और अब लगातार राज्य सरकार की ओर से छूट देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब प्रदेश में चार तरह की और राज्य सरकार की ओर से छूटें दी गई है, जिसके तहत प्रदेश भर में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, तंबाकू, जर्दे की जो बिक्री पर रोक लगाई गई थी उसे हटा दी गया है। अब प्रदेश में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री शुरू हो गई है। ऐसे में लगातार जिस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कालाबाजारी की, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू की बिक्री शुरू हो गई है। साथ ही रेड जोन की बात की जाए तो रेड जोन में टैक्सी और ऑटो रिक्शा की समस्या आमतौर पर लोगों को आ रही थी, हालाँकि इंटर स्टेट लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हो गई, तो ऐसे में लोगों को एयरपोर्ट से, बसों से, रेलवे स्टेशन से लोगों को घर तक जाने में दिक्कत हो रही थी। अब टैक्सी और ऑटो रिक्शा की छूट दे दी गई है। साथ ही जिस तरह की छूटें दी गई हैं उसको देखते हुए अब लोगों को कुछ राहत भी मिलेगी। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और छोटी जो दुकानें हैं, चाय की दुकानें हों या जूस की ठेले हों, दुकानें हों, उनको भी खोलने की छूट दी गई है। आमतौर पर ये दुकानें, हालांकि इनको सूचना देरी से मिली, सरकार की जो छूट दी गई, देर रात आदेश जारी हुए थे उसको देखते हुए अभी हाल फिलहाल ये दुकानें नहीं खुली हैं। आज हालांकि मंगलवार का दिन भी है और ऐसे में आमतौर पर मंगलवार के दिन ये इन दुकानें, पान की दुकानें और ये बंद रहती हैं, तो ऐसे में कल से संभवतः ये दुकानें सुचारू रूप से खुलेंगी। साथ ही लोगों को राहत भी मिलेगी, जिस तरह से लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया, रोजी रोटी का संकट और जनजीवन जो पटरी पर सरकार के लाने की प्रयास लगातार जारी है, ऐसे में अब लोगों को ये राहत मिल सकेगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन में सरकार की ओर से हॉटस्पॉट, ये रेड जोन में जो छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी भी ये जिस तरह के प्रतिबंध हैं वो जारी रहेंगे। साथ ही चार प्रकार की जो ये छूटें दी गई हैं इनमें भी कुछ रियायतों के साथ छूटें दी हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं वो शर्तों के साथ किए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क लगाना भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।